कमर सीधी, चित शांत, आंखें कोमलता से बंद, गहरा श्वास। ओ बोलिए शासनपति भगवान महावीर स्वामी की। बोलिए दिगंबर आचार्य पूज्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोलिए मंदिर मार्गी आचार्य श्रीमद विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज की। बोलिए स्थानकवासी आचार्य सम्राट श्री शिवमुनि जी महाराज की। बोलिए तेरा पंथ आचार्य पूज्य श्री महाश्रमण जी महाराज की। बोलिए जैन धर्म की। बोलिए श्रमण संघ की। सबसे पहले मेरे जीवन निर्माता सदमार्गदाता सदगुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब के पवित्र पावन चरणों में शत शत वंदन करता हूँ। आध्यात्मिक चातुर्मास 2018 के निमित्त इस गोड़वाड़ भवन में विराजमान मेरे उपाध्याय प्रवर पूज्य श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब, मेरे सरल आत्मा महाश्रमण भंते श्री पारस मुनि जी महाराज साहब, इन दोनों गुरु भगवंतों के पावन चरणों में शत शत वंदन करता हूँ। मेरे तपस्वी श्री ऋषभ मुनि जी महाराज सहित समस्त प्रिय मुनिराज एवं उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं तथा बहनों, आप सभी का अहिंसा समोसरण के इस पावन प्रांगण में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरी भावना की पवित्र भावधारा, चाहे इसे भाव गंगा कहूँ, चाहे भाव सरिता कहूँ, चाहे शुभ भावनाओं का शुभ्र प्रवाह कहूँ, इसमें हम कई दिनों से डुबकियाँ लगा रहे हैं। मेरी भावना के शीतल जल से अपनी आत्मा को हम भावित कर रहे हैं, चाहे सुनते सुनते ही सही, लेकिन अगर
हमारा तुम्हारा सुनने में सुनाने में अगर प्रभावित होता है हृदय, हृदय प्रभावित होता है, यानी एक बार भी हम सोचने को मजबूर होते हैं, एक बार भी हमें सतपथ या कुपथ का ज्ञान होता है, सही मार्ग और गलत मार्ग का निर्णय करने की प्रज्ञा अगर एक बार भी जागृत होती है सुनने के माध्यम से, तो वो सुनना सार्थक हो जाता है। वो विचार बिंदु कानों के जरिए अगर हमारी मनोभूमि तक पहुंच रहे हैं, ठीक है, कुछ कर्मों का प्रभाव है, कुछ अंतराय कर्म का प्रभाव है कि सुनी हुई बातों को हम पूरी तरह अपने जीवन में लागू नहीं कर पाते, लेकिन एक भाव अगर पैदा होते हैं, काश इन भावों को हम पूरी तरह से जी पाते तो कितना अच्छा होता। अगर इतने ही भाव पैदा हो जाए तो इसको हमारी शास्त्रीय भाषा में अनुमोदना कहते हैं, यानी किसी अच्छे भाव से प्रभावित होना और उन भावों में जीने का कुछ ख्याल आना, ये हमारी अनुमोदना है। इसलिए हमारे यहाँ अनुमोदना का भी बहुत महत्व दिया है, क्योंकि अगर वो अनुमोदना हृदय से हो जाए तो वो अनुमोदना हमारे जीवन से जुड़ जाती है, वो विचार बिंदु हमारी मनोभूमि पर चले जाते हैं, कभी ना कभी वो विचारों के बीच हमारे जीवन में या मनोभूमि पर अवश्य प्रस्फुटित होंगे, अवश्य उत्पन्न होंगे, और एक बार वो विचार आचार के वृक्ष में, व्यवहार के वृक्ष में, विचार के आचार के पौधे में अगर प्रवृत्ति हो गया तो जीवन कभी भी सार्थक हो सकता है, कभी भी हमें सम्यक्त्व की प्राप्ति हो सकती है। तो ये जो सातवां पद है मेरी भावना का, हमारे जुगल किशोर मुख्तियार युगवीर जो इस मेरी भावना के रचयिता हैं, क्या सार निकाला है, क्या निचोड़ निकाला है, और कितनी हमारी आंतरिक और आत्मिक स्थिरता का सुंदर वर्णन किया है इस सातवें पद के अंदर, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। लीजिए एक बार पुनः एक चर्चा और कर लेते हैं इस पर, लेकिन काव्य को दोहरा लेते हैं, अपने अंदर में दोहराते दोहराते इस काव्य को गूंजा लेते हैं, गूंजना चाहिए अंदर, याद तो है लेकिन एक बार गुंजित हो जाए। हर मंदिर में घंटा लगा हुआ रहता है, घंटे में आवाज तो है लेकिन एक बार उसे टकराने देना चाहिए, तभी आवाज है, आवाज उसमें मौजूद है, यानी ये विचार बिंदु अंदर पड़े हैं लेकिन एक बार गुंजित होने देते हैं। कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे, अथवा कोई कैसा है भय या लालच देने आवे, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पद डिगने पावे, तो भी न्याय मार्ग से मेरा
कभी न पद डिगने पावे। कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, लाखों वर्षों तक जीवूं या मृत्यु आज ही आ जावे, अथवा कोई कैसा ही भय या लालच देने आवे, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पद डिगने पावे। ये शुभ संकल्प है। इस पद में स्थविर की बड़ी सुंदर व्याख्या की गई। स्थविर आपने शब्द पढ़ा होगा, आगमों में पढ़ा है। स्थविर हमारे यहां तीन प्रकार के स्थविर बतलाए। स्थविर की परिभाषा क्या है? जो स्वयं स्थिर रहे, स्थिर यानी टिका हुआ रहे, जो स्वयं टिका हुआ रहे, स्वयं स्थिर रहे और दूसरों को स्थिर करे, उसको हमारे यहां स्थवीर कहते हैं। स्थवीर, स्थवीर किसी को टिकाने के लिए स्वयं भी टिकना पड़ता है। अगर ये फर्श है, टिका हुआ है, आपने कोई घड़ा रखा इसके ऊपर, तो ये घड़े को भी टिका लेता है। क्यों टिका लेता है? क्योंकि ये टिका हुआ है। अगर यही फर्श हिलता हुआ रहता या कोई भी चीज हिलती हुई रहती, तो उसके साथ साथ जो उसके ऊपर रखी हुई चीज है वो भी हिलती हुई रहती, वो भी चलायमान रहती। अगर आप कोई चीज पर खड़े हो, अगर वो स्थिर है तो आप भी स्थिर हो, लेकिन वही लचके खा रही है, वही झूले खा रही है, तो आप भी झूलते ही रहोगे, आप भी उस पर चलित रहोगे, विचलित रहोगे। तो ये जो पद है, सातवां पद, ये स्थिर की परिभाषा करता है, स्थिर और स्थिर की परिभाषा करता है। कोई कितना टिका हुआ है अपने अंदर, ये उसकी व्याख्या करता है। तो स्थिर तीन प्रकार के बतलाए हमारे यहां। एक तो सूत्र स्थिर होता है, एक दीक्षा स्थिर होता है, और एक वय स्थिर होता है। सूत्र स्थिर इसको कहते हैं जिन्होंने आगमों का अध्ययन कर लिया हो, विशेष रूप से आचारांग सूत्र और सूत्र कृतांग सूत्र, सूय गणांग सूत्र, इनका जिन्होंने विशेष अध्ययन कर लिया हो, गहरा अध्ययन कर लिया हो, मनन पूर्वक अध्ययन कर लिया हो। पढ़ना एक अलग बात है, लेकिन अध्ययन करना, अध्ययन उसको कहते कि जब हम मनन पूर्वक अध्ययन करते हैं, चिंतन पूर्वक अध्ययन करते हैं, उसमें डूब करके अध्ययन करते हैं, उसमें निमग्न होकर के अध्ययन करते हैं, यानी अध्ययन करते वक्त जब हमारा चित्त इधर उधर नहीं जाता, स्थिर होकर के जब हम अध्ययन करते हैं, शास्त्र जब हमारे में रमने लगता है, शास्त्र जब हमारे में उतरने लगता है, शास्त्र की बातों से जब हमारा परिचय होने लगता है, और उस परिचय के दौरान कहीं पर भी कोई चंचलता नहीं आती है, अस्थिरता नहीं आती है, उसको हम सूत्र स्थिर कहते हैं। यानी अगले ने बड़ी तन्मयता के साथ, बड़ी निमग्नता के साथ शास्त्र को पढ़ा है, यानी टिककर अध्ययन करना, जमकर अध्ययन करना, चारों तरफ भटकते हुए मन को एक तरफ रोक कर अध्ययन करना। क्योंकि किसी चीज को अंदर उड़ेलने के लिए एकाग्र तो होना ही पड़ता है, वो एकाग्रता हमें सूत्र स्थिर बना देती है। दूसरा स्थिर है दीक्षा स्थिर, यानी दीक्षा लेने के बाद
जो 20 वर्ष तक साधु बाने में टिक जाए, और जो 20 वर्षों तक जिसने अपने बाने को नहीं छोड़ा, अपने साधु वेश को नहीं छोड़ा, इतना तत्पर रहा, यानी मन अगर चंचल होता तो बाना छोड़ के चला जाता, दीक्षा तोड़कर चला जाता, दीक्षा छोड़कर चला जाता, संयम छोड़कर चला जाता, लेकिन अगर वो टिका हुआ रहा है, वो तभी टिका है ना जब उसे थोड़ा बहुत रस संयम में आ रहा है, रुचि है संयम में, जिसको ये लगता है कि नहीं, जिस शेर दिल से मैंने घर छोड़ा है उसी तरह से संयम को भी पालूंगा। ये जब मन में भाव आते हैं, अपने वेश के प्रति एक अनुराग होता है कि नहीं, मैं मुंह पट्टी के बिना नहीं रह सकता, मैं साधु वेश के बिना नहीं रह सकता, मैं अपनी साधुचर्या के बिना नहीं रह सकता, उसमें जो तन्मयता आती है, और वो तन्मयता अगर 20 वर्षों तक, यानी 2 दशक 20 वर्षों तक लगातार बनी रहे, उसको हमारे यहाँ दीक्षा स्थिर कहते हैं कि कमाल की स्थिरता रखी। नहीं तो इस जीवन के अंदर 20 साल का समय कोई छोटा नहीं होता है। इस 20 साल के दौरान पता नहीं कितने झंझावात आए होंगे, कितनी भावनाओं में उबाल आया होगा, कितने तूफान आए होंगे, लेकिन उन तूफानों को दबाते दबाते दबाते, उन तूफानों के बीच में रहते रहते अपने संयम की ज्योत को जलाए रखा, ये कोई आसान बात नहीं है। तो 20 वर्ष की जब दीक्षा पर्याय हो जाती है, उसको हमारे यहाँ दीक्षा स्थिर कहते हैं कि भाई कमाल हो गया, 20 साल से जमा हुआ है, दीक्षा स्थिर। और एक होता है वय स्थिर, उम्र से स्थिर होना, यानी जिसकी उम्र 60 वर्ष की हो गई हो, जिसकी उम्र 60 वर्ष, और समझो बचपन से लेकर के अब इसके अंदर सब तूफान आ चुके हैं, बचपन का बचपना भी आ गया है, जवानी का जोश भी आ गया है, और बुजुर्गियत की प्रारंभ भी हो गया है, यानी जिसने अपना बचपना भी देख लिया हो, अपनी जवानी का समुद्र भी पार कर लिया हो, लेकिन फिर भी वो डिगा नहीं, फिर भी वो चरित्रवान रहा, उसके बावजूद भी, इतने तूफानों के बावजूद भी अपने मन को स्थिर रखा, उसमें गृहस्थी भी हो सकता है और संत भी हो सकता है, ये लेकिन ये व्याख्या संत के लिए दी गई है कि वह स्थिर, यानी इतनी उम्र का अनुभव जिसके पास है उसको हमारे यहाँ वह स्थिर कहते हैं। और जब ये तीनों स्थिर हो जाते हैं उनको हमारे यहाँ महास्थिर कहते हैं, यानी जो सूत्र स्थिर है, जो दीक्षा स्थिर है, जो उम्र से स्थिर है, तीनों स्थिरों को अगर एक ही शब्द में पिरोना हो तो वो शब्द बनता है क्या, महास्थिर। महास्थिर यानी जहां तीनों स्थिरों का समावेश हो गया हो। और वो क्यों टिका है, वो इस बात पर टिका है, किस बात पर, कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, लाखों वर्षों तक जीवो या मृत्यु आज ही आ जावे। देख क्या गजब की बात है, लाखों साल तक जीने की भी कोई तमन्ना नहीं, और कल मरने वाला हो इस बात का भी कोई डर नहीं है, जिज्ञासा भी नहीं, और किसी प्रकार का भय भी नहीं है, अथवा कोई कैसा ही भय या लालच देने आवे तो भी न्याय मार्ग से मेरा, चाहे न्याय मार्ग कहिए चाहे सत्य मार्ग कहिए, बात एक ही है, न्याय मार्ग और सत्य मार्ग, वीतराग पथ, अरिहंत मार्ग, ये सब एक ही चीज है, न्याय मार्ग कहिए सत्य मार्ग कहिए, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी ना पद डिगने पावे। इसको थोड़ा समझना, थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। इसके लिए अगर हमें किसी ने कुछ कहा, वो कल वाली बात फिर रिपीट कर रहा हूं, किसी ने हमें कुछ कहा, यानी हमारी क्रिया को देखकर, हमारी
क्रिया को देखकर, हमारे चाल चलन को देखकर, हमारे आचार व्यवहार को देखकर किसी ने कोई भी प्रतिक्रिया की, किसी ने कोई भी टिप्पणी की हमारे चाल चलन पर, हमारी क्रिया पर, किसी ने कुछ भी कहा, वही ना, कोई बुरा कहो या अच्छा, अगर किसी ने कुछ भी कहा है, उस समय जो अपने आप को स्थिर रखता है, यानी लोगों की कमेंट्स का कोई भी प्रभाव, क्योंकि दो प्रकार के प्रभाव हैं, या तो एक बात से क्रोध आता है या दूसरी बात से अभिमान आता है, राइट? किसी ने बुरा कहा तो क्रोध आता है, और किसी ने अच्छा कहा तो, अरे वाह, दुनिया प्रशंसा करती है हमारी, हाँ कुछ ना कुछ तो हैं हम, लेकिन ये दोनों ही विकृतियां हैं, ये संस्कृति नहीं है, ये विकृतियां हैं। विकृति यानी जिसका मन कंट्रोल में नहीं है वही बहकता है। ये मत समझना क्रोध ही बहकना है, अभिमान भी बहकना है, किसी बात पर इतराना ये भी एक बहकना है, और किसी बात पर घबराना ये भी एक बहकना है। यानी आप संतुलित नहीं हो, आप स्थिर नहीं हो, तभी आप डावा, कभी इधर कभी इधर, गिरावट दोनों ही है। इधर क्रोध है, ये भी एक गिरावट है, इधर अभिमान है, ये भी एक गिरावट है। जहां इतना स्टैंड है, जो स्थिर है, ये संतुलन है। संतुलन क्या हुआ? ये स्थिति जो है टिकाऊपन, इसको संतुलन कहा है। इधर हुआ तो भी असंतुलन, इधर हुआ तो भी असंतुलन, क्योंकि जो चीज यहां टिकी हुई है, यहां अगर यूं हुई तो गिरेगी ना। जो चीज यहां है अगर यूं की, इस हाथ को टेढ़ा किया तो चीज गिरेगी। इधर किया, चाहे टेढ़ा इधर करो चाहे टेढ़ा उधर करो, चीज को तो गिरना ही है। चीज कब टिकेगी? जब हाथ स्थिर रहेगा। आप चाहे इसको ऐसे समझ लीजिए, चाहे आप इसको ऐसे समझ लीजिए, ये दोनों चीजें हैं। क्योंकि ये जो मुद्रा है, इस मुद्रा में कहीं ना कहीं मांगना है। ये जो मुद्रा है, इस मुद्रा में कहीं ना कहीं आशीर्वाद भी है और कहीं ना कहीं टिकाऊपन भी है। इसलिए आशीर्वाद की मुद्रा कैसी होती है? ये वाली। इसको हम छत की मुद्रा भी कहते हैं, भाई मेरे सिर के ऊपर छाता है, छत्र है, क्योंकि ये मुद्रा मांगने की है, भिखारी की मुद्रा है, और ये मुद्रा देने की है। आप समझ लीजिए, ये और ये कितना अंतर है। हाथ का एक्शन देखिए, यूं किया आपने किसी के आगे तो क्या कर रहे हो आप? मांग रहे हो ना। और ये किया आपने, हाथ तो वही है, ये किया हाथ ने, यानी आप दाता हो, दे रहे हो आप। तो हमें एक बात का ध्यान रखना है, किसी भी बात पर कोई हमें प्रतिक्रिया दे रहा है तो हमें उस वक्त स्थिर रहना है, एकदम जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं करना है। इसको हमारे यहां एक शब्द दिया है, आंतरिक स्थिरता, जो अंदर से स्थिर है। इसी के आधार पर एक शब्द और बोला है, शांति जो होती है ना, शांति, शांति कोई अंदर की कमजोरी नहीं होती, शांति अंदर का बल होता है, शक्ति है, शांति में शक्ति है। अब जैसे कई लोग कहते हैं भाई क्रोध में शक्ति होती है, ना, क्रोध तो कमजोरी का परिचायक है। जो आदमी अपने पर नियंत्रण नहीं रखता उसी को क्या आता है, जो एकदम फ्रस्टेड हो जाता है, जो एकदम उत्तेजित हो जाता है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि उसका खुद के ऊपर नियंत्रण नहीं है। क्रोधी व्यक्ति सबसे कमजोर होता है, कमजोर, इसलिए कहते हैं कि कमजोर व्यक्ति को ही क्रोध आता है।
और जिसमें शांति है वो कमजोर नहीं, वो ताकत वाला है। अब देखो, आपको किसी ने गाली दी और आपने तुरंत गाली दे दी, ये आपकी कमजोरी है या बहादुरी है? आपने तुरंत एक्शन किया, किसी ने थप्पड़ मारा तुमने दो मार दिए, ये कमजोरी है या ताकत है? क्या है? कमजोरी है, क्योंकि दूसरा तो था ही कमजोर और तुम उससे भी ज्यादा कमजोर निकले। दूसरा तो था ही कमजोर, दूसरा तो था ही क्रोधी, आप भी क्रोधी निकले, यानी दोनों बराबर के निकले। यानी उसने आपको तुरंत अपने जैसा बना लिया, आपके पास इतनी भी ताकत नहीं रही कि थोड़ी देर टिक जाते, आप थोड़ी देर रुक जाते। अगर आप नहीं रुक रहे हो, यह आपकी कमजोरी है। इसलिए कहता हूं कि क्रोध में कोई बल नहीं होता। जब भी क्रोध आता है तो आप अपने अंदर झांक करके देखना कि मैं कितना कमजोर हूं, कितना निर्बल हूं, कि कोई भी मुझे क्रोध दिला सकता है। लेकिन देखना, क्रोध के दो रूप है। हां, ये भी मैं बतला देता हूं। क्रोध का एक प्रकट रूप है और एक छुपा हुआ रूप है, जिसको हम क्रोध का शांत रूप बोलते हैं। जो इस मेथड को समझ लेगा ना, क्रोध का प्रकट रूप क्या है? किसी ने गाली दी, तुमने गाली दी, ये क्रोध का प्रकट रूप है। लेकिन किसी ने गाली दी और दिल को ठेस लग गई, लेकिन बोला कुछ नहीं, लेकिन ठेस लगी, ये ठेस लगना भी एक कमजोरी है, ये भी एक दुर्बलता है, ये क्रोध का छुपा हुआ रूप है। क्योंकि सामने वाला बड़ा मजबूत है, आपने सामने वाले की मजबूती को देखकर, या सामने वाला मेरा बॉस है, मेरा कोई बड़ा गुरु है, या मेरा कोई बड़ा संत है, और कुछ बोलूंगा तो मेरा नुकसान हो जाएगा, या मुझे संघ से निकाल दिया जाएगा, या परिवार से निकाल दिया जाएगा, मैं दबा लूं अपने क्रोध को। पर लेकिन मन में ठेस जो लगी है, ये भी एक तरह की कमजोरी है, ये भी एक क्रोध है, वो दबा हुआ क्रोध है। बस क्रोध तो है, इसलिए जो द्वेष होता ना, द्वेष, वैर भाव, द्वेष भाव, वैर भाव, ये क्रोध का छुपा हुआ रूप है। ऊपर से मुस्कुरा रहे हैं, अंदर से जल रहे हैं, ऊपर से शांत हैं, अंदर से रो रहे हैं, अंदर से जो टीस मच रही है, ठेस लग रही है, अंदर से जो विचलन है, अंदर से जो कुछ तूफान है, लेकिन उस तूफान को आपने अपनी मजबूती से दबा रखा है, दमन कर रखा है। लेकिन कमजोर तो हो, जिसको प्रगट में क्रोध नहीं आता और जिसको दिल में ठेस नहीं लगती, वही शांत व्यक्ति होता है, उसी को हम समता कहते हैं। सहन करना समता नहीं है, सहन करना एक कमजोरी है। हमारे यहां ये कहा कि चलो दुर्घटना को टाल दो, अपना मन मार के बैठ जाओ, चलो दुर्घटना को तो टालो, इसलिए वो एक गुण हो सकता है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में वो गुण नहीं है, क्योंकि जो काम आप बाहर कर रहे थे, यानी मार का जवाब मार से दे रहे थे, जो काम आप बाहर कर रहे थे वही काम आप अंदर कर रहे हो। यानी अंदर से किसी को गाली दे रहे हो, अंदर से किसी को कोस रहे हो, अंदर से किसी का बुरा चाह रहे हो। वो ठीक है भाई, सास है, बहू ने सोचा बोलूंगी तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, अभी अभी तो आई हूं, जरा 2-3 साल रहने दे, फिर मैं जरा अपने तरकस से बांध फिर निकाल लेंगे। पर लेकिन जो वो 2-3 साल की शांति है, उसे हम शांति नहीं बोलते, वो दबा हुआ क्रोध है। और क्रोध के दो रूप हैं, अग्नि के दो रूप होते हैं। अब तो कुछ नहीं है, अब तो पहले के जमाने में जो चूल्हा होता था ना, पहले की महिलाएं कुछ अग्नि के अंगारों को राख के नीचे दबा दिया करते थे कि चलो इस राख के ढेर के अंदर ये अंगारा 3-4 घंटे जिंदा रहेगा, और फिर जब भी मुझे जरूरत पड़ेगी इसी अंगारे से आग लगा लेंगे। ये जो दबा हुआ अंगारा है, आग तो है ना,
वो तो बात अलग है कि वो ढकिया हुआ है, लेकिन आग तो है, वो अंदर से तो जलता ही रहेगा, यानी अंदर से कर्म बांधता ही रहेगा, अंदर से वो विचलित ही रहेगा। तो एक चीज और समझ लीजिए, आपका हर विचार तुरंत भावनाओं में बदल जाता है, वो भावनाएं बाद में बनती है। देखना आप क्या नक्शा खींचा है अनुभवी ने, आपका जो विचार है, विचार तुरंत होता है, वो विचार इधर आता है, लेकिन वो विचार जब टिकता है थोड़ी देर के लिए तो फिर वो भावनाओं में तब्दील हो जाता है, यानी विचार ही भावना बदल जाती है, विचार ही भावना में बदल जाते हैं, भावना जो है वो वृत्ति में बदलती है। वृत्ति कहते हैं एटीट्यूड को इंग्लिश में, क्योंकि आप जल्दी समझ लोगे, वृत्ति वृत्ति एटीट्यूड, इसको हम मनोवृत्ति बोलते हैं, मनोवृत्ति मन में एटीट्यूड आना, और भावना भी विचार भी अंदर है, लेकिन एटीट्यूड का जो एक प्रारंभिक रूप है वो थॉट्स होता है, थॉट्स, थॉट्स अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। अच्छा थॉट्स होगा तो उससे अच्छी भावना का जन्म होगा, और जब अच्छी भावना होगी तभी अच्छा एटीट्यूड आएगा, यानी किसी के बारे में अच्छी सोच पैदा होगी। आपका चाल चलन, आपका देखने का तरीका, बोलने का तरीका जो भी है, क्योंकि आप जब भी बोलते हो ना तो कहते बड़ा एटीट्यूड दिखा रहा है, वो बड़ा एटीट्यूड दिखा रहा है, यानी कहीं ना कहीं वो एटीट्यूड बोलने में, दिखाने में, चलने में, खाने में, पीने में, हर अदाओं में जो एटीट्यूड दिखाता है उसको हम वृत्ति कहते हैं। वृत्ति वृत्ति प्रवृत्ति में बदलती है, पहले वृत्ति फिर प्रवृत्ति, प्रवृत्ति कहते हैं एक्शन को, पहले एटीट्यूड फिर एक्शन, जो एक्शन है वो एटीट्यूड का प्रकट रूप है, पहले अंदर एटीट्यूड पैदा होता है और जब वो झलकता है उसको हम क्या कहते हैं, एक्शन, और उसको हमारी शुद्ध हिंदी में कहते हैं प्रवृत्ति, यानी वृत्ति अब प्रवृत्त होने लगी है, वृत्ति अब प्रकट होने लगी है, अंदर जो पाल रखा था वो प्रकट होने लगा है, बोलने में, चलने में, खाने में, पीने में, यानी वो व्यवहार में आने लगता है। और उस वृत्ति को अगर आप बार बार दोहराते रहो, दोहराते रहो, दोहराते रहो, तो वो आचार में बदल जाता है, आचार व्यवहार, आचार और व्यवहार को आप दोहराते रहो, दोहराते रहो, तो वो संस्कार में बदल जाता है, क्योंकि किसी चीज को आप बार बार करते रहोगे, बार बार करते रहोगे तो वो संस्कार में बदल जाता है, और संस्कारों का जो एक समूह होता है, समूह अनेक संस्कार हैं, अनेक संस्कारों का जो एक समूह होता है उससे हमारे तुम्हारे व्यक्तित्व का निर्माण होता है। व्यक्तित्व, मैं कैसा हूं, वो कैसा है, ये व्यक्तित्व का निर्माण होता है, पर्सनैलिटी डेवलप होती है, जिसको हम पर्सनैलिटी कहते हैं, जिसको हम व्यक्तित्व कहते हैं, वो डेवलप होती है, वो क्रिएट होती है, वो निर्मित होती है, और उसी व्यक्तित्व के आधार पर हम अपने भाग्य की रचना करते हैं, हम अपने भाग्य की सृजना करते हैं। भाग्य का निर्माण किससे हुआ, एक छोटे से विचार से, क्योंकि विचार भावना में बदली, भावना एटीट्यूड में बदली, एटीट्यूड एक्शन में बदला, एक्शन आचार में बदला, व्यवहार में बदला, वो व्यवहार संस्कार में बदला, वो संस्कारों का जो समूह है, छोटे 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 संस्कार, चाहे वो खाने के हैं, चाहे पहनने के हैं, चाहे पीने के हैं, चाहे पहनने के हैं, चाहे रहने के हैं, कुछ भी है, वो संस्कार धीरे धीरे हमारे व्यक्तित्व में समाहित हो जाता है, हमारे अंदर समाहित हो जाता है, और वो संस्कार ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। तो आपको संक्षेप में बताओ, हमारे जीवन में देखते हैं, ये अनुभवियों ने कहा है कि हमारे जो शरीर की रचना है ये 5 तत्वों से बनी है, जिसमें अग्नि भी है, पानी भी है, आकाश भी है, पृथ्वी भी है, वायु भी है ना,
ये पांच क्या है? पांच तत्व का बना है पुतला जिसका नाम धरा बंदा, जिसको हम बंदा कहते हैं, ये पांच तत्वों का मेल मिलन है। ये जब पांच तत्व मिल जाते हैं, अब देखिए जब आपके शरीर में पानी की कमी होती है तो आप क्या मांगते हो? क्या मांगते हो? पानी मांगते हो ना, पानी चाहिए, क्योंकि पानी की कमी होगी, होठ सूख गए, आप तड़फने लगे। क्यों तड़फे? क्योंकि पानी, पानी से बना है हमारा शरीर। अगर जिस चीज से हमारा शरीर बना है उन तत्वों में कहीं पर भी कोई कमी आ गई, उस चीज की डिमांड चालू हो जाती है, क्योंकि ये शरीर उसके बिना नहीं रह सकता, नहीं टिक सकता। किसी चीज की कमी आई, वो चीज मांगने लग जाता, उसी की डिमांड चालू हो जाती है। तो अग्नि भी, क्योंकि अग्नि के बिना नहीं चल सकता। अगर हमारा लीवर कमजोर पड़ जाए तो हमारा पाचन तंत्र ठप हो जाता है, उसी के ऊपर टिका हुआ है। और इसको तो हमारे यहां तेजस शरीर भी बोला जाता है। पांच शरीरों में एक शरीर का नाम है, क्या नाम है उसका? तेजस शरीर। और ये तेजस शरीर और कार्बन शरीर दोनों साथ साथ रहते हैं, ये दोनों अविनाभावी हैं। जहां कार्बन शरीर है वहां तेजस शरीर जरूर रहेगा, क्योंकि कार्बन शरीर के प्रभाव से ये जीव आत्मा जिस गति में भी जाएगी वहां उसे आहार करने की जरूरत तो पड़ेगी, क्योंकि बिना आहार के हम जिंदा नहीं रह सकते। हाँ, जिंदा नहीं रह सकते। आहार हमारे अंदर, पृथ्वी तत्व क्या है बताना जरा? ये भोजन पृथ्वी तत्व है हमारे अंदर, क्योंकि हमें पानी भी, सब चीज इसी में ही है, देखा जाए तो सब चीज इसी में ही है। यानी जो भोजन है वो हमारा पृथ्वी तत्व है, और उसी के ऊपर ये शरीर चलता है। और आपने देखा होगा जो भी अन्न खाते हैं उससे मल बनता है, मिट्टी बनती है, गंदगी बनती है, फिर वो मिट्टी में मिलती है, फिर मिट्टी में घुल मिल जाती है। और कहीं जगह तो आपने देखा होगा खाद, जो जैविक खाद है उस खाद के जरिए फसलों का निर्माण होता है। यानी आहार जो है वो हमारा पृथ्वी तत्व है। यानी हम पृथ्वी के बिना भी जब तक जिंदा हैं तब तक हमें खाने की जरूरत तो पड़ती है, पीने की जरूरत तो पड़ती है, हवा की जरूरत तो पड़ती है। आप देखो कहीं सफोकेशन हो, कहीं हवा गुमसुम हो जाए, किसी कमरे में हवा कम आती हो तो आपको क्या होने लग जाती है? घबराहट होने लगती है। अरे भाई खुली हवा में चलो, तब कम से कम ऑक्सीजन तो मिले। यानी आप हवा के बिना भी जिंदा नहीं रह सकते, अग्नि के बिना जिंदा नहीं रह सकते, आकाश के बिना भी जिंदा नहीं रह सकते। यानी जिस तत्व की कमी हो जाए उस तत्व का आना जरूरी है। इसी प्रकार आत्मा के सात तत्व हैं, ये आत्मा के स्वभाव है सात। सबसे पहला, समय हुआ फिर करेंगे बात, सात तत्व ये हमारे आत्मा के तत्व हैं, इन्हीं से आत्मा का विकास होता है। और उसको इस सातवें पद को समझने के लिए इनको समझना है कि आत्मा में अनंत आनंद है, लेकिन ये आनंद आता कैसे है उसको समझाने के लिए सात तत्व बतलाए हैं। उसका छोटा छोटा रूप हमारी जिंदगी में आता जाता रहता है, वो बस प्रगाढ़ नहीं हो पाता, इसलिए हम मनुष्य, मनुष्य से पशु भी बन जाते हैं हम। लेकिन हमारे जो महापुरुष हैं उन सात तत्वों को प्रगाढ़ता दी है, इसलिए वो महापुरुष बन जाते हैं, हम केवल पुरुष ही रह जाते हैं। उसकी चर्चा कल कर लेंगे। धर्म न दोजा सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, साची बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है
ताके हृदय प्रभु आप सतमत छोड़ बावरे। सत छोड़ा पत जाए सत की बांधी लक्ष्मी फिर मिलेगी आए वह सत्यवादी हरिश्चंद्र एक पल में बना भिखारे मर घट में बिक गया राजा बिक गए तारा रानी वो अटल रहे धर्म पे फिर हो गए सब आसानी हम भूल गए हैं जिनको जरा याद करो कुर्बानी जिन धर्म के प्यारे लोगों यह सुन लो अमर कहानी हम भूल गए हैं जिनको जरा याद करो कुर्बानी। बोलिए सत्यवादी महाराजा हरिश्चंद्र की। कल आप लोग सुन रहे थे कि विश्वामित्र ने अपनी तपस्या के बल से उन चारों अप्सराओं को यानी देवियों को लताओं से चिपका दिया, हाथ चिपका दिए लताओं से, पांव चिपका दिए जमीन से, और उसके बीच में वेदना का संचार और कर दिया, पीड़ा का संचार और कर दिया। जो दर्द हो रहा है उस दर्द ने उन देवियों को हिलाकर रख दिया, लगी गिड़गिड़ाने, लेकिन जब क्रोध आ रहा हो तो दया कैसे आ सकती है, चला आया ये कहकर के भुगतो, अपनी करनी का फल भुगतो, तुम्हें ये तो पता चलना चाहिए कि तुमने किससे पंगा लिया है। मैं पहले कह रहा था चली जाओ यहां से, तुमने तो हमको भिखमंगा समझा, इसलिए तुमने हमसे पंगा लिया। पता लग गया कि भिखमंगे से पंगा लेना कितना महंगा। अपनी डींग डांग हाक के डंग डंगा डंग चल दिया, पहुंच गया, वो तो चला गया वहां। अब इधर होता क्या सोचते पहले, क्योंकि चरित्र को मैं इसलिए कहने को तो ये कहानी है, फटाफट भी सुना सकता हूं, लेकिन किसी करैक्टर में किसी चरित्र में अगर घुसना है आपको तो उसको महसूस करना बहुत जरूरी है, और महसूस नहीं किया तो केवल एक कानों का विषय बन गया, महसूस करोगे तो दिल का विषय बनता है। इसलिए कहता हूं सुनना बहुत आसान है लेकिन महसूस करना बहुत मुश्किल है। महसूस तो वही कर सकता है जो दिल वाला होता है। कान दिए सुनने को, महसूस करने को दिल दिया है। किसी बात को कान के जरिए दिल तक तो पहुंचने दीजिए, और दिल वालों के ही पास पहुंचती है दिल की बातें। लक्षाधिक वर्षों का उज्जवल चित्र उपस्थित करता हूं सत्य कीर्ति के द्वारा कलमल दूर मन स्थित करता हूं हरिश्चंद्र नृप पुण्यवश से ऋषभ देव के वंशज हैं राजनीति के सद्गुण में भी उसी प्रभु के अंशज हैं
भूल गए हैं अन्य वृत्तियां सत्य वृत्ति के पालन में, वे भी था क्या समय प्रजा का हित राजा नित करते थे, स्वयं कष्ट सहते थे लेकिन दुख प्रजा का हरते थे। लक्षाधिक वर्षों का उज्जवल चित्र समुपस्थित करता हूं, लाखों साल हो गए हैं, उस चित्र को चरित्र के रूप में आपके समक्ष प्रकट कर रहा हूं। ये कवि बोल रहा है और मैं आप सभी के समक्ष बोल रहा हूं कि लाखों साल का एक चित्र था जो आपके समक्ष आ रहा है। सत्य में कितना बल होता है, सत्य कीर्ति यानी सत्य के माध्यम से सामने वाले के अंदर का मल किस तरह निर्मल हो जाता है। अगर आप दिल से सुनो, दिल से हृदय से सुनो, महसूस करते हुए सुनो कि मेरे सामने ही राजा हरिश्चंद्र खड़ा है, ये महसूस करते हुए सुनो और अनुमोदना में सुनो, तो बैठे बैठे भी आप अनंत अशुभ कर्मों की निर्जरा कर सकते हो, केवल सुनने मात्र से, लेकिन महसूस करते हुए सुनना कि ये पुण्यवाणी है महाराजा हरिश्चंद्र की कि भगवान ऋषभ देव के वो वंशज हैं और राज्य करने का जो तरीका उन्होंने अपनी वंशावली से सीखा है, यानी राज्य करने का भी तरीका वही है जो भगवान ऋषभ देव का था। राजा में किसी भी तरह का कोई व्यसन नहीं, कोई बुराई नहीं, कोई खाने पीने का पहनने का शौक नहीं, बस मैं राजा हूं और मुझे अपनी प्रजा का ध्यान रखना है और वो भी दिल से, दिल से। और ये बात उसे घमंड में नहीं आने देती थी, मैं राजा हूं क्यों नहीं आने देती थी, इसलिए नहीं आने देती थी, अगर प्रजा ही नहीं होती तो मैं कहां का राजा बनता। जिन्होंने मुझे राजा बनाया मैं उनसे बड़ा तो नहीं हो सकता, क्योंकि प्रजा ने राजा को जन्म दिया, वो मेरी मां है, प्रजा ने ही राजा को जन्म दिया है और इतनी सारी प्रजा ने मुझे अपना रक्षक बनाया है कि हमारी रक्षा करो, तो मैं रक्षक नहीं बल्कि उनका सेवक हूं। जब ये भावनाएं आती है ना तो किसी भी प्रकार के पद का घमंड नहीं आता, नहीं तो पद आपद भी है, पद एक मुसीबत भी है, लेकिन विनम्र व्यक्ति के लिए पद एक श्रृंगार होता है। राज्य कार्य से जब भी पाते समय भ्रमण को चल देते, दीन दुखी से मिलते आंखों दशा प्रजा की लख लेते, गर्व शून्य करुणा निधि नृप के, गर्व शून्य करुणा निधि नृप के, प्रजा सरल दर्शन पाकर हर्षित होती गर्वित होती नभ गुजाती जय जय कर। जब भी राज्य कार्य से निवृत्त होते तुरंत, चाहे धूप है चाहे बरसात है चाहे गर्मी है चाहे सर्दी है, इधर राज्य कार्य से निमटते तुरंत ही कुछ भोजन करते, तुरंत ही वेश बदलकर, कभी वेश में कभी वेश बदलकर अपनी प्रजा की दशा देखने के लिए उनकी गलियों में चक्कर काटा करते थे। वो कोई दुखी तो नहीं है, कोई परेशान तो नहीं है, अपने इतने सादगी पूर्ण राजा को पाकर, इतने भोले भाले राजा को पाकर, इतने दयालु और कर्तव्य निष्ठ राजा को प्राप्त करके प्रजा भी अपने राजा पर गर्व करती थी। और जब उनके जयकारे लगाती थी ना, जय हो महाराजा हरिश्चंद्र की, जय जयकार राजा हरिश्चंद्र की, तो राजा की जो जय जयकार गाती थी प्रजा, उनका दिल बोलता था। आजकल तो बनावटीपन होता है लेकिन प्रजा में बनावटीपन
नहीं था, क्योंकि राजा में भी कोई बनावटीपन नहीं था। आज के राजाओं में भी बनावटीपन है और प्रजा में भी, जैसे को तैसा। प्रजा जल्दी से पंगा लेती नहीं, हाँ, कोई भी खड़ा हो हम तुम्हें वोट देंगे, टेंशन मत लो, जिसको देना हम दे देंगे। लेकिन बुरा कोई किसी का बनता नहीं, ये सोचता है क्योंकि कोई पता नहीं बुरा क्यों बने भाई। कवि ने क्या बोला है, अगर आज भारत के राजा उसी पुरातन पथ चलते, मातृभूमि को नहीं देखने ये दुर्भर दुन दिन पड़ते। अगर पुरानी विरासत को अगर आज के राजाओं ने निभाया होता तो जो दशा दुर्दशा हमारे देश की हो रही है वो दुर्दशा, क्योंकि पहले राजनीति सेवा का माध्यम था, अब राजनीति एक व्यवसाय बन चुका है। क्या बन चुका है? व्यवसाय, व्यापार। यहां कोई सेवा करने के लिए नहीं आता, सेवा का तो ऊपर का एक ढोंग होता है, हर कोई अपनी पेटी भर रहा है, और पेटी कितना भी भर ले पेटा तो भरने वाला है नहीं भाई। तो राज्य कार्य से निपट नित्य की भांति भूपपुर से निकले, वन यात्रा के लिए अश्व पे चढ़ लहरों के सम उछले, वन में बद्ध अप्सराओं का पति सेवक का रूप धरे, आकर मिला निरपति से फलते सिद्धाश्रम की ओर ढले। जैसे राज कार्य से निपटे जनता को देखा, देखते देखते शाम होने को आई, संध्या होने को आई, तो अपने सैनिक को कहा कि चलो आज वन की ताजा हवा खाने चलते हैं। तो जंगल की ताजा हवा खाने के लिए नगर के बाहर निकल गए। नगर के जैसे ही बाहर निकले तो नगर के कुछ दूरी पर सिद्धाश्रम था, यानी महर्षि विश्वामित्र का आश्रम था, और वो बहुत बड़े वन खंड में फैला हुआ था। जैसे ही वो बाहर आए, वो देवता एक सेवक का रूप बनाकर खड़ा हो गया, आंखों में आंसू। हरिश्चंद्र ने कहा, तुम रो क्यों रहे? मेरी पत्नियां मुसीबत में हैं। तुम्हारी पत्नी मुसीबत में? क्या हुआ? मैं अपने मुख से कुछ नहीं बोलता, जो भी कुछ बोलेंगी वही बोलेंगी, लेकिन आपसे एक विनती है कि मेरी बात पर भरोसा करें और मेरे साथ चलें। हाँ कोई बात नहीं, चल मैं तुम्हारे साथ हूं, चलो। आगे आगे सेवक, पीछे पीछे राजा और उसके पीछे सैनिक चल पड़े। बद्ध अप्सराओं ने ज्यों ही सुना दूर से जय जयकार, देखा ध्वनि पत और शिगर ही भय का तर निज आंख पसार, मानव गण परिवेष्टित अश्वारोही नैनो में आया, हरिश्चंद्र के दर्शन पाकर मोद अमित मन में छाया, पाप वृत्ति के पड़ी फेर में किंतु भाग्य रेखा जागी, इसी बहाने हरिश्चंद्र के दर्शन पाए बड़ भागी। जैसे वो निकट आने लगे, लोग जय जयकार कर रहे हैं, लोगों से घिरे हुए हैं और घोड़े पर बैठे हुए हैं, जैसे वो निकट आए दूर से ही अप्सराओं ने सितारों के बीच में उस चांद को देखा। चारों तरफ लोग हैं और लोगों के बीच में घोड़े के ऊपर बैठे हुए महाराजा हरिश्चंद्र हैं, और उन लोगों में वो वैसे ही जच रहे थे जैसे तारों के बीच में चांद चमकता है। हाँ, अलग से ही नजर आ रहा है। क्या नूर था उसके ऊपर,
क्या चमक थी उसके ऊपर, दूर से जब देखा, अभी पास से नहीं देखा, दूर से ही देखा, तो उनके नूरानी और रूहानी चेहरे को देखती अप्सराओं में जो थोड़ा बहुत जो दर्द की भरमार थी, देखते दर्द में कमी आ गई। क्यों आई? दर्द तो था, लेकिन दर्द में कमी क्यों आई? क्योंकि वो देखने में लग गई। जब हम किसी को इतने दिल से देखते हैं तो शरीर में दर्द भी क्यों ना हो, वो दर्द भी भूल जाते हैं। इसको कहते दर्शन, इसको कहते दर्शन की करामात। सोचने लगी पाप तो किया था हमने, उसका फल भी हम भुगत रही हैं, लेकिन ये पाप भी कितना अच्छा हो गया कि इसके बहाने कम से कम हमें सत्यवादी महाराजा हरिश्चंद्र के साक्षात दर्शन तो हुए, उनकी शकल तो निहारी। फिर अंदर एक विचार आया, संभव है इस ओर न आए, कहीं और ही टल जाएं, बस फिर हम तो तीन काल में बंधन मुक्त न हो पाए। सभी अप्सरा दीन भाव से लगी विकल रोदन करने, रोदन सुनते ही नृप मन में बहे दया के सत झरने। तक्षण आश्रम में चले आए, लगे देवियों से कहने, किस कारण कब किसने बांधा, पड़े घोर संकट सहने। नाथ अप्सरा हम उपवन में क्रीड़ा करने आई थी, पुष्प सुगंधित तोड़ लिए, कुछ मन में नहीं बुराई थी। इतना सा अपराध और ये दंड भयंकर लख लीजिए, विश्वामित्र क्रोध के बड़वा नल है, दोष किसे दीजिए। फिर मन में एक विचार आया कि कहीं ऐसा ना हो ये कहीं और चली जाए। एक ने कहा जोर जोर से रोना शुरू करो, हाय हाय जोर जोर से, और वो तो देवियां थी और आवाज चार जनी थी वो, और रोई ऐसी जैसे कई कई रो रही हूं, और आवाज जब रोने की राजा के कानों से टकराई, ओए होए होए, दयालु थे कृपालु थे, उस आवाज का पीछा किया, घोड़े की रफ्तार तेज की, पहुंच गए उसी आवाज पर जहां से वो आवाज आई थी। वो नजारा देखा कि अप्सराएं जमीन से चिपकी हुई हैं, लताओं से चिपकी हुई हैं और रो रही हैं। एकदम खड़े हो गए, कहने लगे ये किस कारण हुआ, कब हुआ, किसने किया? ये तीन सवाल किए। और हरिश्चंद्र की आंखों में आंसू हैं, क्योंकि वो किसी को दुखी नहीं देख सकते थे, दिल में करुणा भरी पड़ी थी। कहने लगी स्वामी हम अप्सराएं, हम उपवन, बहुत अच्छा लगा हमको ये उपवन, ये बगीचा, यहां झूठ बोला उन्होंने, लेकिन सत्यवादी किसी के झूठ को भी किस तरह पकड़ता है देखना, और बोला कुछ नहीं, और बोला भी तो किस ढंग से बोला है ये देखना, ये ब्यूटी है इसकी, कि उपवन हमको अच्छा लगा, उपवन में फूल बड़े सुंदर खिले थे, उन फूलों की सुंदरता को देखकर हम अपना मन नहीं रोक पाई और हम यहां चली आई, बस फूल इतने सुंदर थे हम अपने पे कंट्रोल नहीं रख पाई, कुछ फूल तोड़ लिए, वो भी फूल अपने भगवान की पूजा करने के लिए, बस इतना ही सा अपराध था, इतना ही, ये तो बताया नहीं क्या क्या छेड़खानी करी, बस इतना सा अपराध था। और देख लो इतनी छोटी सी गलती की कितनी बड़ी, हाय रे, रुको रुको, इस बात को सुनते ही सत्यवादी हरिश्चंद्र ने कहना शुरू किया, ऋषि आश्रम में तुम्हें उपद्रव
कभी न करना चाहिए था। ये न्याय है, क्योंकि वो समझ गए कि इतनी छोटी सी गलती पर इतनी बड़ी सजा कोई नहीं दे सकता। क्या बात है, तभी तो कहते हैं कि कभी कभी आप इस डिपार्टमेंट के तीन चार आंसुओं को देखकर यह समझ जाते हो, पता नहीं दूसरे ने कितना जुल्म कर रखा है, लेकिन समझते नहीं हो कि इन्होंने भी कुछ ना कुछ तो ऋषि आश्रम में तुम्हें उपद्रव कभी न करना चाहिए था। क्या गौरव है तपोधनों का तुम्हें समझना चाहिए था। तुमने गुरु अपराध किया है किंतु दंड उससे गुरुतर। मुनिजन तो अपराधी पर भी रहते हैं करुणा मृदुतर। कहा कि तुम्हें ऋषियों के आश्रम में इस प्रकार की हरकत, इस प्रकार का तांडव, इस प्रकार की उपद्रव नहीं करना चाहिए था। आखिर हर आश्रम की अपनी एक मर्यादा होती है और हर महात्मा का एक अपना सम्मान होता है, तपस्वियों का एक सम्मान होता है, उनका तुम्हें अपमान करना नहीं चाहिए। देखिए, जब किसी का दिल साफ होता है ना, तो आईना सब कुछ सामने प्रकट हो जाता है। चाहे कोई कितना भी बोले, लेकिन सच्चे आदमी से कुछ छुपा हुआ नहीं रहता है। और उससे तो खास तौर पर जो गद्दी के ऊपर बैठा है, जो न्याय की गद्दी पर बैठा है, उससे वो गलती नहीं हो सकती है। वो इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि वो निष्पक्ष है। जो निष्पक्ष होता है उससे गलती कभी होती नहीं है। गलती उससे होती है जो पक्षपात में तेरे और मेरे में पड़ जाता है। कहा कि मैं मान ही नहीं सकता कि इतनी छोटी सी गलती हो और इतना बड़ा दंड हो। तुमने अपराध बहुत बड़ा किया है। शायद इस आपकी बातों से कुछ भी झलके ना झलके, लेकिन मैं जानता हूं अपने गुरु विश्वामित्र को कि इतनी छोटी सी गलती पर इतनी बड़ी सजा नहीं दे सकते। पर हां, मैं मानता हूं इस बात को कि तुम्हारी बहुत बड़ी गलती है और उससे बड़ी गलती मेरे गुरुदेव से हो गई। क्या बात है, क्यों? क्योंकि चाहे कोई कितना बड़ा अपराधी क्यों ना हो, साधु किसी को दंड नहीं देता है। यानी अपनी शक्ति का प्रदर्शन, अपनी विद्याओं का प्रयोग किसी को सताने के लिए नहीं करता है। यह न्याय आ गया। समझ गई कि हमारी गलती तो इनसे छुपी नहीं, अब क्या करें। हाथ जोड़कर, हाथ बेचारी जोड़ नहीं पाई, गर्दनी झुका रही है हाथ की जगह। हाथ जोड़ कर सिर चरणों में विनय प्रभो करुणा कीजिए। जीवन भर गुण गाएंगी हम मुक्त पास से कर दीजिए। कहा कि कुछ भी समझ लो, हमें माफ कर दो और हमें इस बंधन से मुक्त कर दो। कोई नहीं, अभी छुड़ा देता हूं तुमको, मन में खेद ना करिएगा। पर भविष्य में कभी किसी आश्रम में विघ्न न करिएगा। कहा कि मैं अभी मुक्त कर देता हूं। जितने सच्चे दिल से मैं तुम्हें मुक्त कर रहा हूं, उतने ही सच्चे दिल से तुम्हें भी एक सौगंध खानी होगी, एक संकल्प करना होगा कि आगे से कभी भी किसी भी आश्रम में इस प्रकार का उपद्रव नहीं करोगी। तो अपने दिल से कसम खाइए, दिल से, दिल की साक्षी से एक संकल्प कीजिए कि आगे से किसी आश्रम में और किसी गुरु का अपमान नहीं करेंगे। मरता क्या ना करता, लेकिन वो भी दिल से किया उन्होंने, बोल दिया। आज आपके सम्मुख दिन कर, सूर्य छुपने वाला था, सूर्य छुपने वाला था, छुपते हुए सूरज की तरफ आंख रखते हुए बोली हैं,
आज आपके सम्मुख दिन कर साक्षी से प्रण करती हैं, भंग न होगा आश्रम गौरव उत्पीड़न से डरती हैं। कहा कि आज आपके समक्ष और सूर्य नारायण की साक्षी से संकल्प करती हैं कि आगे से किसी आश्रम का और किसी भी तपस्वी का सम्मान हमारे द्वारा कभी खंडित नहीं होगा। जब उन्होंने संकल्प किया तो उधर हरिश्चंद्र ने अपनी आंखें बंद करके ध्यान मुद्रा में ये सोचते हुए कि अगर मैंने अपनी जिंदगी में कोई भेदभाव किया हो तो कुछ ना हो, लेकिन मेरा दिल साफ है, अगर मैं सत्य हूं, अगर मैं सच्चा हूं तो इनका ये दर्द मिट जाए। सत्य में बहुत बड़ी ताकत होती है, सच कहता हूं। जो सच्चे लोग होते हैं उन्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं, और जो झूठे हैं वो कुछ भी कर लें कुछ होता नहीं। ये है सत्य की करामात। हरिश्चंद्र ने सत्य स्मरण कर हाथ लगाया, जैसे ही मुक्त अप्सरा सभी हो गई पलक मारते, वैसे ही गगनागंग में उड़ी अप्सरा हर्ष मत जय रव करती। हरिश्चंद्र पर चारु सुगंधित पुष्पों की वर्षा करती। जैसे सत्य का स्मरण किया और लताओं को केवल हाथ ही लगाया, हाथ लगाते ही अप्सराओं के हाथ एकदम छूट गए और जमीन ने जो जकड़ रखा था एकदम जमीन से ऊपर उठ गई। ये देखा है सत्य का चमत्कार। और ऊपर उठते ही हरिश्चंद्र के ऊपर वो चारों की चारों देवियां पुष्पों की वर्षा करने लगी। बोलिए सत्यवादी महाराजा हरिश्चंद्र की। और उस वक्त एक गीत गाया है, 2 मिनट का समय और लगेगा, आपको सुन लेना। लग गई लग गई लग गई हो प्रीति, लग गई आज सत्य से, लग गई लग गई लग गई हो प्रीति, लग गई पूर्व पुण्य से शुभ दिन आया, सत्य मूर्ति का दर्शन पाया, दिल की कलियां खिल गई हो प्रीति, लग गई आज सत्य से, लग गई लग गई लग गई हो प्रीति, लग गई सच का बल है अपरम पारा, ऋषि के तप का बल बिहारा, सच का बल है अपरम पारा, ऋषि के तप का बल बिहारा, श्राप की बेड़ी कट गई हो प्रीति, लग गई आज सत्य से, श्राप की बेड़ी कट गई हो प्रीति, लग गई लग गई लग गई लग गई हो प्रीति, लग गई आज पर दुख भंजन पर उपकारी, अतिमानव करुणाव तारी, प्रेम की दुनिया बस गई हो प्रीति, लग गई आज सत्य से, प्रेम की दुनिया बस गई हो प्रीति, लग गई। कैसा है सुंदर मुखमंडल, कैसा है सुंदर मुखमंडल, झलक रहा है तेज अचंचल, आपको देखकर पाप की वृत्तियां डर गई हो प्रीति, लग गई आज सत्य से, पाप वृत्तियां डर गई हो प्रीति, लग गई। आखिरी में क्या आश्वासन, क्या आशीर्वाद और क्या शुभकामना दी है देवियों ने। अमर सत्य पर अचल रहेंगे,
यानी दुनिया में कोई माई का लाल ऐसा नहीं जो तुम्हें सत्य से डिगा सके। अमर सत्य पर अचल रहेंगे, निश्चित है पति विफल रहेंगे, निश्चित है पति विफल रहेंगे। आज तो सत्य की झांकी मिल गई हो, प्रीति लग गई आज सत्य से। सत्य की झांकी मिल गई हो, प्रीति लग गई आज सत्य से। लग गई लग गई लग गई हो, प्रीति लग गई आज सत्य से। आशीर्वाद दिया और ये कहा कि जितना सौंदर्य, जितना तेज मैंने या हमने आपके चेहरे पर देखा, इतना तेज तो हमने इंद्र के चेहरे पर भी नहीं देखा। क्यों है वो चेहरे पर तेज? क्योंकि मन में कोई भेदभाव नहीं है, कोई पक्षपात नहीं है, तभी वो चेहरा दमकता है। सच कहता हूं, जो भेदभाव करते हैं उनकी चेहरे की रौनक चली जाती है। जो दिल के पवित्र होते हैं वो सारा का सारा नूर चेहरे पर उजागर होने लगता है। तो आप देखिए, देवियां तो मुक्त होकर चली गई, चली गई। आज यही रोक रहा हूं, कल कुछ होने वाला है, कुछ होएगा कल, और तभी होगा जब तुम आओगे। हाँ, आ जाओ तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। वीर नाम के हीरे मोती, गुरु नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यार, शोर मचाऊं गली, ले लो रे कोई गुरु का प्यार, शोर मचाऊं। जिसने ये सब मोती लूटे वो तो माला माल हुए, दौलत के जो बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। हो दौलत के जो बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। सोना चांदी वालों सुन लो, लोहे कपड़े वालों सुन लो, अरे बेंगलोरो वालों सुन लो, बात सुनाऊं खरी खरी, ले लो रे कोई राम का प्यार, शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई गुरु का प्यार, शोर मचाऊं गली गली। हो शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली। आप सभी को जैसा कि आपको मालूम है, आज हमारे शर्मन संघ के भीष्म पितामह, तपस्वी राजऋषि गुरुदेव, तपस्वी श्री सुमति प्रकाश जी महाराज साहब का आज 80वां जन्म दिवस है, और हैदराबाद काचीगुड़ा में आज उनका जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। संपूर्ण भारत के अंदर 8,000 आंगलों का संकल्प लेकर के आज उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है। उन्होंने शायद 50 साल की जिंदगी आंगल की तपस्या को सुपुर्द की है। तो ऐसे महातपस्वी सुमति प्रकाश जी महाराज साहब के 80वें जन्मदिन पर अपने उपाध्याय श्री जी की ओर से, अपने उपप्रवर्तक भंते श्री पारसमणि जी महाराज साहब की ओर से, या संपूर्ण गुरु प्रेम सुख परिवार की ओर से, और संपूर्ण शर्मन्न संघ की ओर से उनको 80वें जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामना देते हैं। उनके मंगलमय स्वास्थ्य की मंगल कामना करते हैं। आप जियो हजारों साल, और साल के दिन हो 50,000। ओम शांति।